अब मेरे को भी एक चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, चैप्टर नंबर टू। दोनों बैच को मिक्स कर दे दो तुम। चलो चैप्टर नंबर टू। चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो गया था, हम उसका एमसीक्यू भी कर लिए थे, और अगर उसका कोई डाउट वगैरह है तो हम लोग डाउट अलग से ले लेंगे आफ्टर क्लास, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग चैप्टर नंबर टू को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर टू का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर भेज दिया था ग्रुप में, नहीं है क्या? क्या क्या? अरे वो क्या जो उनके लिए है, बाद में ज्वाइन किए, ठीक है, वो हाँ उसको दोबारा भेजा गया। जो लोग लेट से ज्वाइन किए ग्रुप, उनको तो नहीं मिला ना वो वाला, तो इसीलिए एक बार उनके लिए फिर से भेज दिया गया है, ठीक है। चलो धीरे धीरे नया, हर बार नया 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 आते जाएगा, ठीक है। चलो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब तो पता है, कौन होता है कंज्यूमर? जो सामान को खरीदता है, सामान को कंज्यूम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। अच्छा ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? क्या मतलब है इक्विलिब्रियम का? एक पॉइंट जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं? नॉर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है? कौशल्या कृति मुस्कान सोनाली विदिशा। एक पॉइंट से जब हम चेंज होना नहीं चाहते, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, मतलब या तो अगर हम कंज्यूमर का बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं तो वो उस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट में है। अगर हम डिमांड सप्लाई का बात कर रहे हैं तो वो वाले पॉइंट में डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है, ठीक है। वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पे हम आके रुक जाएंगे, जिस पॉइंट पे हम आके रुक जाएंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अच्छा एज अ कंज्यूमर, तुम मान लो कोई सामान को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कौन से पॉइंट पे आके रुक जाओगे? जब खत्म हो जाएगा, फिर अगर मैं तुमको एक और दे दूं तो फिर खा लोगे, फिर एक दे दूं तो? एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं तुमको आइसक्रीम के बाद आइसक्रीम देता भी जाऊंगा तो तुम आके क्या कर जाओगे, स्टॉप कर जाओगे, या तो तुम्हारा पेट भर जाएगा या तो तुम्हारा मन भर जाएगा, ठीक है, तुम आके स्टॉप कर लोगे, नहीं अब और नहीं खाना। ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट, मतलब मैक्सिमम वो वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, आके रुक जाएंगे कि इसके आगे हमको और नहीं खाना। वैसे ही एक प्रोड्यूसर कौन से पॉइंट पे आके रुकेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से पॉइंट पे आके स्टॉप करता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट होते जा रहा है, प्रॉफिट होते जा रहा है, एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पे उसके ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होगा, तो वो पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ कंज्यूमर के बारे में, मतलब प्रोड्यूसर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले नहीं है, प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ देखते हैं एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है और एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे अचीव होता है। क्या ये समझना जरूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, कस्टमर कौन से पॉइंट पे आके स्टॉप करेगा खरीदना? अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको सामान बेच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, है ना। मुझे एक दुकान में आया है मेरे पास एक आदमी आइसक्रीम खाने, ठीक है, मुझे पता है कि ये 5 आइसक्रीम के बाद छठवां आइसक्रीम और नहीं खाएगा ये, अगर मुझे मान लो पता है, तो मैं 5 आइसक्रीम बेचने तक का पूरा उसके ऊपर मेहनत करूंगा।
अगर मुझे पता नहीं होगा ये चीज़, तो मैं उसको एक आइसक्रीम बेचूंगा, मुझे लगेगा चलो हो गया काम इसका, तो फिर नेक्स्ट कस्टमर को खोजो। तो वही कस्टमर का चार और आइसक्रीम खरीदने का पोटेंशियल था, लेकिन मैं उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उसके कस्टमर का कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब कहाँ पे वो आके स्टॉप करेगा, कौन से पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है सर, सोनाली, पायल, प्रीति, कौशल्या, ठीक है। अब अच्छा, हम बोले तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, पता कैसे चलेगा? मान लो तुम आइसक्रीम खा रहे हो, एक खाए, दूसरा खाए, तीसरा खाए, चौथा खाए, पता कैसे चलेगा कब कहाँ पे स्टॉप होना है, कैसे पता चलेगा? पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा या मन नहीं करेगा, वो तो तुमको पता चला, मुझे कैसे पता चलेगा? या इसको मेजर करने का कोई तरीका होगा, है ना? हम क्या करते हैं, ये जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, वो मेजर हम कैसे करते हैं, यूटिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये यूटिलिटी क्या होता है, जैसे तुम्हारा वेट होता है, बॉडी का हाइट होता है, वैसे यूटिलिटी होता है। हमको एक प्रोडक्ट को खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हम उसको मेजर कैसे करते हैं, यूटिलिटी में मेजर करते हैं। हाइट को जैसे हम लोग इंच में, फिट में, मीटर में मेजर करते हैं, वेट को हम केजी में, ग्राम्स में मेजर करते हैं, वैसे यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में मेजर करते हैं। यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे यूटिल्स में। अब ये यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी होता है सेटिस्फेक्शन, कितना सेटिस्फेक्शन मिला। मान लो एक कॉमोडिटी को खा के तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो तुम बता पाओगे कि उसको खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी बोलते हैं। चलो आते हैं अब बुक में। कंज्यूमर कौन होता है, सबसे पहला, अ कंज्यूमर इज अ वन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स। कंज्यूमर वो आदमी होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है ताकि वो अपना वॉन्ट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सबसे पहला, ये सब बाद में आते हैं, पहले आते हैं यूटिलिटी के अंदर। यूटिलिटी रेफर्स टू द वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, अगर मैं तुमको पूछूं आइसक्रीम खाए मज़ा आया, तुम बोलोगे हाँ मज़ा आया, मैं बोलूँगा कितना मज़ा आया, बता पाओगे कितना मज़ा आया? तो उसको कैसे मेजर किया जाए, उसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसका नाम है यूटिलिटी। देखो हम एग्जैक्टली तो अब रियल लाइफ में मेजर नहीं कर सकते, रियल लाइफ में कोई भी हमको ये नहीं बता सकता कि खा के कितना मज़ा आया। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें अगर नंबर पॉइंट्स एलोकेट करें, तो फर्स्ट आइसक्रीम को खाए तुम, बहुत मजा आया, तो मैं बोला चलो मान लो तुमको 100 यूटिल्स का मजा आया। ठीक है, सेकंड आइसक्रीम को खाओगे, फिर से एक आइसक्रीम, फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा। क्या पहले जितना मजा आया उतना मजा आता है कभी भी? दूसरी बार जब हम सेम चीज को खाते हैं उतना ही मजा आता है, नहीं आता है उतना मजा? तो मान लेते हैं हमको थोड़ा सा कम मजा आया, 80 का मजा आया। ठीक है, अच्छा ये मेजर कैसे हो रहा है, 100, 80? कोई बोलेगा नहीं सर मुझे 200 का मजा आया, कोई बोलेगा नहीं मुझे 300 का आया। तो हम इसको मेजर करें कैसे, हाउ टू मेजर दिस 200, 300, 80, हाउ टू मेजर? हम इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं इसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, हम एस्टिमेट करके एक नंबर एलोकेट करते हैं। मान लो पहला आइसक्रीम को खा के हमको 100 का मजा आया, दूसरा को खा के 80 का आया, तीसरा को खा के 60 या 50 का आया, चौथा को खा के 10 का मजा आया, उस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, इट इज द सेटिस्फेक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो वही तो मैं बोला तुमको, मैं बोलूंगा मुझे 100 का मजा आया, कोई और बोलेगा मुझे 200 का आया, कोई और बोलेगा मुझे 300 का मजा आया। तो यूटिलिटी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जैसे मान लो मैं तुमको आइसक्रीम दिया,
दो जन को आइसक्रीम दिया एक एक, ठीक है, दोनों को अलग अलग मजा आएगा, सेम मजा तो नहीं आएगा। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। एक जन को मैं ऐसे सी बीच में बैठा के, गोवा के सी बीच में बैठा के आइसक्रीम दिया, और दूसरे जन को मैं कश्मीर में बर्फ के अंदर बैठा के आइसक्रीम दिया, किसको ज़्यादा मजा आएगा? ऑब्वियसली। तो आइसक्रीम सेम था, आइसक्रीम सेम था, ठीक है, खाने वाला आदमी भी वही था, ठीक है, लेकिन मजा अलग अलग क्यों आया? बिकॉज प्लेस, इट डिफर्स फ्रॉम फील आता है ना, प्लेस के हिसाब से हमको फील, हाँ तब मजा आएगा, है ना। और वही गोवा में सी बीच में चाय पिलाओगे तो थोड़ी मजा आएगा, बोलो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बताओ, तुम खुद बताओ, टाइम टू टाइम में भी सेम चीज आएगा, ठीक है, ठंडी का मौसम और गर्मी का मौसम, आइसक्रीम का ज्यादा मजा कब? गर्मी में, ठीक है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम भी ये क्या करता है, डिफर करता है। तो इसीलिए हम लोग ना हमेशा यूटिलिटी को सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, एक्चुअल और एस्टिमेटेड डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी, हम लोग इसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, एंड टाइम टू टाइम डिफर करता है, ठीक है। अब यूटिलिटी का डेफिनेशन, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई द वांट। अगर तुम्हारे वांट को कोई भी प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर पा रहा है तो हम उसको मेजर अगर करने जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। कौशल्या, कोमल, कृति, मुस्कान, पायल, प्रथमेश, सोनाली, विदिशा, बताओ, क्लियर है यूटिलिटी क्या होता है? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू मेजर यूटिलिटी। अब तुम खुद बताओ कैसे मेजर करें यूटिलिटी को। हम एक एस्टिमेट लगाएंगे यूटिलिटी का, पहली बात तो, ठीक है, हर जगह लिखा है हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाके डीमेरिट्स में लिखा हुआ है कि हम यूटिलिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि हम लोग मेजर एग्जैक्टली नहीं कर सकते, हम हमेशा क्या करते हैं, यूटिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। अब इसको जो मेजर करेंगे ना, इसमें जो यूनिट होगा उसको बोलते हैं हम लोग यूटिल्स। जैसे कि अगर हम वेट को मेजर करते हैं तो हम यूनिट क्या लगाते हैं, केजी या ग्राम्स लगाते हैं। हाइट को मेजर करते हैं तो क्या लगाते हैं यूनिट, फुट, इंच, या फिर सीएम वगैरह, या फिर मीटर वगैरह में मेजर करते हैं। वैसे ही यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं हम उसको बोलते हैं यूटिल। मतलब अगर मुझे आइसक्रीम खा के 100 का मजा आया, मतलब 100 यूटिल का मजा आया, ठीक है, मुझे यूटिलिटी कितना मिला, 100 यूटिल का मुझे यूटिलिटी मिला यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो है यूटिल, और जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम यूटिलिटी के अंदर, हमको हमारे सिलेबस में दो कॉन्सेप्ट है, एक है कार्डिनल मेजर और दूसरा है ऑर्डिनल मेजर। पहले हम लोग कार्डिनल मेजर पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑर्डिनल मेजर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी एक से दो क्लास सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल मेजर के ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद लास्ट एक क्लास में हमारा ऑर्डिनल मेजर के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कार्डिनल मेजर, अच्छा पहले दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, कार्डिनल मेजर और ऑर्डिनल मेजर होता क्या है उसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम लोग कार्डिनल ऑर्डिनल, ठीक है, दोनों का मीनिंग। कार्डिनल का मीनिंग क्या होता है, देखो मान लो मैं तुमको एक आइसक्रीम दिया, दूसरा चॉकलेट दिया, तीसरा बिस्किट दिया और चौथा केक दिया, सबसे ज्यादा मजा क्या आएगा खाके, किसी को, सबको अलग अलग आएगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है। मान लो मैं मेरा अपना बता देता हूँ, चलो आइसक्रीम पहले मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जिसमें 100 यूटिल्स मुझे मिला, 100 यूटिल्स मिला। सेकंड में फिर मैं कंजम्पशन किया जिसमें मुझे केक खाया मैं और मुझे मान लो 80 यूटिल्स का मज़ा मिला, ठीक है। तीसरा मैं क्या कंजम्पशन किया, मान लो मैं कंजम्पशन किया चॉकलेट और मुझे 60 यूटिल्स का मज़ा आया,
और चौथा मैं कंजम्पशन किया बिस्किट, और मुझे यहाँ पे 20 यूटिल्स का मजा आया। ठीक है, ये जो नंबर मैं एलोकेट किया 100, 80, 60 और 20, इस मेजरमेंट को बोलते हैं हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्डिनल मेजर के अंदर यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे पहला वाले को खा के मुझे 100 मजा आया, दूसरे वाले को खा के 80 आया, तीसरे वाले को खा के 60 आया, चौथे वाले को खा के 20 आया। तो कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, हम लोग यूटिलिटी को इन नंबर्स क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वहीं पे अगर मैं ऑर्डिनल का बात करूं, ऑर्डिनल में क्या होता है, हम लोग रैंक देते हैं, रैंकिंग देते हैं प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रिफरेंस मैं दूंगा किसको, आइसक्रीम को। सेकेंड प्रिफरेंस दूंगा केक को। थर्ड प्रिफरेंस दूंगा चॉकलेट को। और फोर्थ प्रिफरेंस दूंगा बिस्किट को। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल मेजर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारा एग्जाम होता है स्कूल में, मार्क्स आता है सबका, जब मार्क्स जो स्कूल वाले मार्क्स देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजर, क्योंकि वो इन नंबर्स तुम लोगों को मार्क्स दे रहे हैं। और जब रैंक शीट आता है, रैंक 1, 2, 3, 4, वो क्या है, वो एक ऑर्डिनल मेजर है। इन ऑर्डर वो लोग उसको अरेंज कर रहे हैं, इन अ ऑर्डर। ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनल मेजर। इन रैंक, रैंक के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट मैं आइसक्रीम को दूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस केक को दूंगा, थर्ड प्रेफरेंस चॉकलेट को दूंगा, बिस्किट को फोर्थ प्रेफरेंस दूंगा। तो अच्छा, अब तुम देखो यहाँ पे, खुद ही देख लो दोनों के बीच में, जब हम कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट वाले के केस में तुम अगर मुझे पूछोगे आइसक्रीम या केक में कौन सा चीज़ तुमको ज़्यादा पसंद है, मैं बोलूँगा आइसक्रीम पसंद है। तुम पूछोगे कितना ज़्यादा पसंद है, तो मैं बता पा रहा हूँ 20 यूटिल्स एक्स्ट्रा पसंद है मुझे, है ना। क्या मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ, नहीं बता। मैं तुमको यहाँ पे सिर्फ यही बता पाऊँगा ऑर्डिनल के केस में मुझे आइसक्रीम ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा। वहीं पे मैं कार्डिनल यूटिलिटी के केस में ये कितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो भी मैं क्या कर पाऊँगा, बता पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, 20 यूटिल से ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को क्या, आइसक्रीम। ठीक है, क्लियर है। तो दो मेन डिफरेंस है, एक में पहले हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं एक में, और दूसरे में हम क्या करते हैं, नंबर्स एलोकेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर तुम मुझे कौन सा कितना, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है वो तो मैं बता पा रहा हूँ दोनों में, लेकिन कौन सा कितना से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, वो मैं कहाँ बता पाऊँगा, सिर्फ कार्डिनल के केस में बता पाऊँगा, ऑर्डिनल के केस में नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, क्लियर है। और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे कार्डिनल को और ऑर्डिनल को, इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल को पहले हम आज के क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। कार्डिनल यूटिलिटी ऑल्सो नोन एज मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का और क्या क्या नाम है, मार्शल यूटिलिटी, मार्शल का मतलब होता है ये एक ऑथर है मार्शल। ठीक है, ये ऑथर का नाम है जो इस कॉन्सेप्ट को निकाला है, उस ऑथर का नाम है मार्शल। ठीक है, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। वहीं पे ऑर्डिनल यूटिलिटी का क्या नाम है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस। हिक्सियन भी यहाँ पे ऑथर का, ठीक है, हाँ इसका और नाम है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का एक और नाम इनडिफरेंस कर्व, उसका एक और नाम हिक्सियन एनालिसिस। मतलब ये कॉन्सेप्ट का तीन नाम है, ये कॉन्सेप्ट का भी तीन नाम है। ठीक है, चलो सबसे पहला कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल का मतलब तो समझ में आ गया, क्या कैसे हम मेजर करने वाले हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेंगे पूरे कार्डिनल यूटिलिटी को, उसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, आ जाओ। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, आइसक्रीम खाने गया, ठीक है, मान लो मैं क्या किया, आइसक्रीम खाने गया, कॉमोडिटी क्या है, आइसक्रीम, यूटिलिटी मिलेगा, फर्स्ट आइसक्रीम खाया,
कितने का मजा आएगा? मान लो आइसक्रीम का प्राइस क्या है, बता रहा हूँ, प्राइस क्या है, मान लो 50 है, 50 रुपये का एक आइसक्रीम है, ठीक है, कॉमोडिटी फर्स्ट फर्स्ट यूनिट में कंज्यूम किया आइसक्रीम का, कितने का मजा आएगा? मान लो 200 यूटिल्स मुझे मिलता है, ठीक है, सेकेंड आइसक्रीम में कंज्यूम करूंगा, कितने का मजा आएगा? क्या उतना मजा आएगा या उससे कम आएगा? उससे कम आएगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि फर्स्ट आइसक्रीम खाने से जितना मजा आएगा, दूसरा आइसक्रीम खाने से उतना मजा नहीं आएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 180 का मजा, ठीक है, तीसरा आइसक्रीम मैं खाया, कितने का मजा आएगा? ये तो हम श्योर हैं कि 180 से कम का मजा आएगा, ठीक है, लेकिन क्या मैं 170 यहाँ लिख सकता हूँ? क्योंकि अब जो मजा मुझे आएगा वो बहुत ज्यादा कम आएगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। पहले कितना से डिक्रीज हुआ था? 20 से, ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट कंजम्पशन करूंगा यहाँ पे और तेजी से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे तुम कोई भी कॉमोडिटी को खाते जाते हो वैसे वैसे यूटिलिटी बहुत तेजी से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे मजा आया 130 यूनिट में कंज्यूम करूंगा, फोर्थ यूनिट, कितने का मजा आएगा? 80 का, चलो 80 ले लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में कंज्यूम करूंगा, कितने का मजा आएगा? 50, 30, 20, ट्वेंटी, अरे रेट ऑफ ग्रो, रेट ऑफ डिक्रीज को बढ़ाओ थोड़ा, ये 60 से डिक्रीज हुआ, ये 40 से डिक्रीज हुआ, तो अब 10, ठीक है, अब सिक्स्थ यूनिट में कंज्यूम करूंगा, तो मुझे कोई भी मजा नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ठीक है। सेवेंथ यूनिट कंज्यूम करूंगा, माइनस, तो मान लेते, ठीक है। अब अगर तुम पागल नहीं हो तो तुम क्या ये वाला कॉमोडिटी को कंज्यूम करोगे? क्या छठवा आइसक्रीम तुम कंज्यूम करोगे? नहीं करोगे। क्या सातवा आइसक्रीम तुम कंज्यूम करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? सातवा और सातवा नंबर क्यों नहीं करोगे? देखो नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब है एक टाइम का मजा के बाद वो क्या बन जाएगा? सजा बन जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा है हमको यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा आइसक्रीम खाते 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 वही हमारे लिए क्या बन जाएगा? सजा बन जाएगा, मतलब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पे आके क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये स्टॉप कहाँ पे करेंगे? एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग पूरा पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो गए, तभी तो हम स्टॉप करेंगे। अगर अभी भी थोड़ा मोड़ा मन अगर बाकी है आइसक्रीम खाने का तो हम कंज्यम्पशन कंटिन्यू करेंगे, है ना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे हम लोग पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे, उस पॉइंट पे आके हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। अब क्या मैं सिक्स्थ आइसक्रीम कंज्यूम करूँगा? क्यों नहीं? कुछ सेटिस्फेक्शन मिल तो नहीं रहा है उससे, ठीक है, मतलब मैं कंज्यूम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला भी मैं कंज्यूम कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं पांचवा मजा आया मुझे थोड़ा सा, तो मैं सोचता हूँ छठवा भी खा के देखते हैं शायद मजा आए, लेकिन छठवा जब मैं खाया तो मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया, तो मुझे यहाँ पे आके स्टॉप कर देना चाहिए, है ना। और अगर फिर भी अगर खाना है तो मैक्सिमम मैं कहाँ तक कंज्यूम कर सकता हूँ? सिक्स्थ यूनिट तक कंज्यूम कर सकता हूँ, बिकॉज सिक्स्थ यूनिट में मेरे को यूटिलिटी क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है, ठीक है। अब एक रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? देखो बता रहा हूँ, पूरे इकोनॉमिक्स में हर जगह काम आएगा। रैशनल कंज्यूमर उस इंसान को बोलते हैं, रैशनल पर्सन, रैशनल पर्सन किसको बोलते हैं? देखो रैशनल पर्सन वो आदमी जो दिमागी हालत जिसका पूरा ठीक है, जिसका दिमागी हालत ठीक है, वो पागल नहीं है, वो सोच समझ के डिसीजन लेता है, ठीक है, उसको सभी चीज़ों के बारे में पता है, मार्केट का मतलब मार्केट के बारे में नॉलेज है, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उस आदमी को हम लोग बोलते हैं रैशनल पर्सन। रैशनल पर्सन इन इकोनॉमिक, जैसे तुम
तुम किसी को बोलते हो ना ये तो पागल है, तो इकोनॉमिक्स में अगर तुमको उसको पागल बोलना है तो उसको तुम बोलना इरैशनल पर्सन, ठीक है। इरैशनल आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमर्स वाले खाली समझ पाएंगे, साइंस वालों के तो ऊपर से जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो रैशनल आदमी, रैशनल आदमी कौन होता है, वो आदमी जिसका दिमागी हालत ठीक है, वो सोच समझ के डिसीजन लेता है, उसको मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, उसको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, ना उसका डिसीजन किसी और के डिसीजन के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगा। मतलब मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, ये इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन है, ठीक है। मेरा दोस्त कुआं में कूदेगा तो मैं भी पीछे पीछे कूद जाऊंगा, लेकिन अगर वो ऐसा कोई आदमी करता है तो वो पागल ही कहलाता है, ठीक है। तो जिसका डिसीजन किसी और के डिसीजन के बेसिस पे इन्फ्लुएंस ना हो, वो खुद अपना डिसीजन ले सके, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं रैशनल पर्सन। और हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे पहला अजम्पशन ही होता है, जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो बुक के अंदर है, जिसको हम एग्जाम्पल में लेंगे, सब क्या है, रैशनल पर्सन है। अगर इरैशनल आदमी कोई भी है तो वो हमारा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये पागल आदमी कंजम्पशन कर रहा था आइसक्रीम को, पागल आदमी कंजम्पशन कर रहा था, तो वो हो सकता है 100 ठो खा जाए, है ना, पागल है ना, क्या पता क्या करेगा, ठीक है। पागल कुछ भी कर सकता है, वही बात है, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। रैशनल पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसको बोलते हैं रैशनल पर्सन, स्टार्टिंग से लास्ट तक काम आएगा। एवरी चैप्टर का एजम्पशन होता है रैशनल पर्सन, कहीं पे भी एजम्पशन पूछेगा तुमको नहीं आ रहा है एक पॉइंट, रैशनल पर्सन लिख देना, इकोनॉमिक्स में रैशनल पर्सन का बेसिक एजम्पशन होता है, ठीक है। चलो, अब अगर एक रैशनल आदमी है, रैशनल मतलब जो ये सभी चीजें ठीक से करता है, अब वो कहां पे स्टॉप करेगा, फिफ्थ में आके स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अगर हम सिर्फ यूटिलिटी को कंपेयर करें तो, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा, तुम देखना बोलोगे वो फिफ्थ वाला भी कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। एक नया एग्जांपल लेते हैं, फिर से प्राइस है 50, कॉमोडिटी यूटिलिटी, देखना फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया विदिशा, जस्ट वेट, ठीक है। अब चेक करो वॉइस, अब ठीक है वॉइस, चलो ठीक है, वो बैटरी का प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो, फर्स्ट यूनिट अगर मैं कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, मान लो मुझे यूटिलिटी मिलता है कितना 200, सेकेंड यूनिट मैं कंज्यूम करता हूँ तो मुझे मिलता है 100, तीसरा यूनिट में कंज्यूम करता हूँ तो मुझे मिलता है 150 का, चौथा यूनिट में कंज्यूम करता हूँ, हाँ एक ही आदमी होगा ना, हाँ वो आएगा जो सेम प्रोडक्ट, पहले अगर मैं तुमको वेनिला आइसक्रीम दूँ, बाद में चॉकलेट आइसक्रीम दूँ, तो हो सकता है ज़्यादा मजा आए बाद में, ठीक है। हमारा एजम्पशन जो होता है वो होता है कि हम लोग हमेशा सेम कॉमोडिटी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। चलो, पॉइंट नंबर फोर, अगर मैं फोर्थ यूनिट को कंज्यूम कर रहा हूँ, मोबाइल रख दो, हाँ भाविया हो गया तो, और दोबारा मोबाइल छूना मत, पूरा लास्ट तक, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यूनिट को अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मान लो मुझे 110 का यूटिलिटी मिलता है, फिफ्थ यूनिट को जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो मान लो मुझे 50 का यूटिलिटी मिलता है, और सिक्स्थ यूनिट को जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो 0 का, सेवन्थ को करता हूँ तो -50, कुछ भी ले लो माइनस में एक ही बात है, ठीक। अब तुम क्या बोलोगे, रैशनल आदमी है तो वो कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, 5 वाला कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है, तुम तो रैशनल नहीं हो ना इसीलिए, तो बताओ बाकी लोग,
कहाँ तक कंज्यूम करें, कितने यूनिट तक कंज्यूम करें? कौशल्या, कृति, मुस्कान, पायल, प्रथमेश, सोनाली, विदिशा, कितना कंजम्पशन करना चाहिए? तब बोले फिफ्थ वाला कंजम्पशन करके हम लोग रुक जाएंगे। एक दो जन कुछ और आंसर दिए हैं, वो लोग के टॉपिक पे हम आते हैं। तुम बोलोगे यहाँ पे हमको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि सिक्स्थ यूनिट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको जीरो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेवेंथ कर रहे हैं तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसीलिए सेवेंथ तो हम करेंगे ही, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूँ, तुम प्राइस दे रहे हो 50 रुपीज़, ठीक है, प्राइस दे रहे हो 50 रुपीज़, और तुम्हारे लिए वन यूटिल इक्वल्स टू अगर 1 रुपीज़ है, तुम चाहते हो कि अगर मैं 1 रुपये पे कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे 1 यूटिल का मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ कहाँ तक कंजम्पशन करोगे तुम? फर्स्ट यूनिट के केस में तुम कितना रुपए पे किए, पेमेंट किए 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, एक्स्ट्रा कितना मिला यहाँ पे? 200-150 यूटिल एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 130 एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 60 एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। मतलब जब हम 50 रुपीज़ पेमेंट को भी यहाँ पे कंसिडर करने लग गए, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग कितना रुपए का आइसक्रीम था उसको हम कंसिडर नहीं किए थे, हम सिर्फ ये समझना चाहते थे कि नेगेटिव यूटिलिटी क्या होता है और ज़ीरो यूटिलिटी क्या होता है। अब रियलिटी में अगर एक कस्टमर अगर रैशनल है, वो सोच समझ के अगर डिसीजन लेता है, तो अगर वो 50 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको मिनिमम 50 का मज़ा तो आना चाहिए। अगर 50 तुम पे कर रहे हो, तुमको रिटर्न में 30 रुपीज़ का मज़ा मिल रहा है, तो क्या वो तुम्हारे लिए वर्थ है? नहीं है, ऑब्वियस सा बात है। तो एटलीस्ट 50 का तो मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ तुम कहाँ पे आके स्टॉप करोगे? अब तुम स्टॉप फोर्थ में करोगे, लेकिन फिफ्थ वाला तुम्हारे ऊपर डिसीजन मेकिंग तुम्हारा है, आइदर और नॉट। तुम ले फिफ्थ कंज्यूम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे तुमको ना कुछ फ़ायदा हो रहा है ना कुछ नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ यूनिट तुम्हारे ऊपर है, तुम कंजम्पशन कर भी सकते हो तो नहीं भी कर सकते हो। हाँ, अब देखते हैं ना, प्राइस बढ़ा के देखते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। अब मान लो मैं तुमको बोलूं आइसक्रीम का प्राइस बढ़ गया कितना, 70 रुपये हो गया, ठीक है। 50 रुपये से आइसक्रीम का प्राइस कितना हो गया, 70 हो गया। अब इस केस में पे कितना कर रहे हो, 70, यहाँ पे भी 70, थर्ड यूनिट खरीदे फिर 70 पे किए, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है 10, यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 40, और यहाँ पे कितना मिल रहा है। अब बताओ कहाँ स्टॉप करेंगे, अब कहाँ स्टॉप करेंगे, अब फोर्थ में आके हम लोग स्टॉप करेंगे। थर्ड कैसे, ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब हम कहाँ के स्टॉप कर जाएंगे, फोर्थ यूनिट में अब आके हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। विदिशा, ये एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्स्ट्रा, मतलब पेमेंट का माइनस करने के बाद दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर एक का भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम उसको कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे -20 आ रहा है, इसीलिए हम फिफ्थ यूनिट को अब कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो अब बताओ ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर का माइंडसेट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? कंज्यूमर अगर हम हमारे, अच्छा कंज्यूमर का माइंडसेट तो छोड़ो, भाड़ में गया, तुम सोचो तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए काम आएगा या नहीं आएगा? कि तुम अगर 50 रुपीज़ का रखते हो किसी प्रोडक्ट को, तो कस्टमर 5 यूनिट खरीदता है, लेकिन जब तुम उसको 70 का कर देते हो तो कस्टमर 4 यूनिट खरीदता है, ठीक है। क्यों खरीदता है 4 यूनिट? बिकॉज ऑफ यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कौशल्या, कृति, मुस्कान, पायल, प्रथमेश, सोनाली, विदिशा, फटाफट बताओ ये वाले में कोई डाउट? चलो वेरी गुड, अब आते हैं बुक के अंदर क्या लिखा है। अच्छा यहीं पे और भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, आगे इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं।
अब मान लो मैं ये सबको एक बार रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। पेमेंट को भी हटा, ठीक है। ये तो था मेरा यूटिलिटी, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूं टोटल यूटिलिटी निकालना है। टोटल यूटिलिटी मतलब जितना हम कंजम्पशन किए टोटल हमको कितना मजा आया। अगर एक यूनिट को कंज्यूम करके 100 का मजा आ रहा है, दूसरे को करके 90 का आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 190 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी बताओ, फर्स्ट यूनिट को जब हम कंज्यूम किए टोटल यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट को जब हम कंज्यूम किए 200 प्लस 180 इक्वल्स टू 380, थर्ड यूनिट को जब हम कंज्यूम किए तो 200 प्लस 180 प्लस 150 इक्वल्स टू कितना, 530। उसी तरीके से नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, 530 प्लस 110 640 प्लस 50 इक्वल्स टू 690 प्लस 0 690 प्लस माइनस 50 इक्वल्स टू 640। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, दिस इज नोन एज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जब हम सारे यूटिलिटी को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर मैं यहां तक का तुमको टोटल यूटिलिटी पूछूं तो फर्स्ट से जितना मजा आया, दूसरे से जितना मजा आया और तीसरे से जितना मजा आया, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहां तक का पूछूं तो पहला पांच को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एवरेज यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट को एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल यूनिट्स बाय टू, बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ ऑल यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का एवरेज यूटिलिटी क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 200। सेकेंड यूनिट का एवरेज यूटिलिटी क्या होगा, 380 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कितना आएगा, 190। थर्ड यूनिट का एवरेज यूटिलिटी क्या आएगा, 530 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आएगा लिख लेना, 640 डिवाइडेड बाय 4, 690 डिवाइडेड बाय 5, 690 डिवाइडेड बाय 6 और 640 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या, हम अभी कार्डिनली पढ़ रहे हैं, हम अभी आज के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और हो सकता है उसके भी नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी आएगा, ठीक है। तो अभी सारा टॉपिक किसका चल रहा है, कार्डिनल यूटिलिटी का ही चल रहा है, ठीक है। देखो अब मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा यूटिलिटी। देखो डेफिनेशन समझना पहले, एक्स्ट्रा यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। मतलब मान लो पहले तुम दो यूनिट को कंज्यूम किए थे, तुमको यूटिलिटी मिला था टोटल 380 का। अब जब तुम तीसरा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी तुमको मिलेगा थर्ड यूनिट को कंज्यूम करके, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट का मैं बोलूँ मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, इनिशियली हम जीरो यूनिट कंज्यूम कर रहे थे जिसमें हमको जीरो यूटिलिटी मिल रहा था। जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए तो हमको कितने का यूटिलिटी मिला, 200 का। जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए तो हमको टोटल यूटिलिटी कितने का मिला, 380 का मिला। जब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम किए तो हमको टोटल यूटिलिटी कितने का मिला, 530 का मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 200 इक्वल्स टू 200, 380 माइनस 200 इक्वल्स टू 180, 530 माइनस 380 इक्वल्स टू 150। तो इसको हम बोलेंगे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ जो, हाँ ओवरऑल फार्मूला जो है ये जो होते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी ही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तुमको कभी भी ये दिया हुआ नहीं होगा, हम एग्जाम्पल में ले लिए,
क्वेश्चन में कभी भी तुमको ये यूटिलिटी दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। तुमको या तो टोटल यूटिलिटी दिया होगा या तो एवरेज यूटिलिटी दिया होगा, उससे तुमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करें तो फटाफट बताते जाना, फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 200। सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 180। थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 150। अब जिसको समझ में नहीं आया, देखो मार्जिनल यूटिलिटी जिसको समझ में नहीं आया, जब हम दो यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल हमको कितना यूटिलिटी मिल रहा था? 380 का। जब हम तीन यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा था? 530 का। तो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके, वन एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके हमको जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया यहाँ पे? 530 माइनस 380 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, ठीक है। अगर इस केस में मैं फॉर्मूला लिखूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। अगर इसको मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इक्वल्स टू, ये मार्जिनल यूटिलिटी कौन से यूनिट का था? थर्ड यूनिट का था, इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट, है ना। अगर फॉर्मूला में इसी चीज़ को हम लिखने जाएं तो थ्री के जगह में अगर हम एन लिखें तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? एन माइनस वन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी? इधर बता दो फटाफट, कौशल्या, कृति, मुस्कान, पायल, प्रथमेश, सोनाली और विदिशा। चलो ठीक है, सबका क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत हो गया है, हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं आज, ठीक है। बाकी का कार्यक्रम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। बुक में क्या लिखा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ें। बुक में थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या फॉर्मूला दिया है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। जी हाँ।